दोस्तों आज यानी कि 2 फरवरी को आप लोगों की परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों अगर आपके सामने प्रश्न पत्र आ जाए तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, बहुत उत्सुक हो जाएंगे। जी हाँ, इसी तरह का दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि 2 फरवरी को जो आपका फिजिक्स का एग्जाम है आज कुछ ही घंटे के बाद दोस्तों, उसी के लिए जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रश्न को जो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, आप लोग प्लीज वीडियो को कम से कम जितना भी समय है प्लीज देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे, सिर्फ आपको प्रश्न को बताएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है अगर यह प्रश्न आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिले तो दोस्तों आप आसानी से सभी प्रश्न का आंसर जो है सीधे सीधे दे सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते पहले प्रश्न की ओर। इस वीडियो को दोस्तों आपको शेयर जरूर करना है, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं अगर उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर थोड़ी बहुत है तो दोस्तों उसको बहुत ज्यादा इस वीडियो का फायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, यहां पर आपको आंसर की भी जो है सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज प्लेन कंडक्टर इज, तो आपको कह रहा है आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र कितना होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को ज्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं और विद्युत विभव जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसके बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट, तो दोस्तों कौन सा रिलेशन इनमें से सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता तो आप लोग ऑप्शन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे यहां पर आया सेम टू सेम इसी तरह का बिहार बोर्ड भी आपका पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों तो सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन भी याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, ए इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलिया चालक की विद्युतीय धारिता होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज, तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाला कोई गोलीय धारक है, गोलीय चालक है, उसकी विद्युतीय धारिता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 1 माइक्रोफराड। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समांतर पट्टी का संधारित्र का धारिता होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, तो आपको कह रहा है कि समांतर पट्टी का संधारित्र का धारिता कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ऑप्शन ए भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गैलोमीटर का प्रतिरोध जी है, आप यहां पर ध्यान से देखिए, गैलोमीटर का प्रतिरोध जी है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है, इसके बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन जी द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर एंड भी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज करेक्ट, तो दोस्तों इसके और इसके बीच कौन सा संबंध निम्न में से सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, भी इज ग्रेटर देन जी, तो दोस्तों आपका जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो गैलोमीटर के प्रतिरोध से हमेशा ज्यादा होगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो दोस्तों यहां आपको कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? वोल्टमीटर है, विभवमापी है, कौन है? तो दोस्तों 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मीटर ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा है व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि मीटर ब्रिज। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, तो एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, पदार्थ की प्रकृति पर यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पर, तो तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ के यानी कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? आपको कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व इन किरचॉफ पॉइंट रूल, तो किरचॉफ के पॉइंट के रूल में यानी कि किरचॉफ बिंदु के नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान, कौन? तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, आवेश, कौन रहती है संरक्षित? आवेश। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, आपको कह रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज, तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है? समरूप होती है, त्वरित होती है, एक रूप औसत होती है या फिर अवमंदित होती है, कैसी होती है? तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, त्वरित होती है, तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है यानी कि एक्सेलरेटेड होती है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो दोस्तों यहां आपको कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, वी स्क्वायर बाय आर, तो विद्युत परिपथ की शक्ति यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज वी स्क्वायर बाय आर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो दोस्तों यहां आपको कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है बल के लिए? तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, आप लोग ऑप्शन को भी याद रख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर, वी क्रॉस बी वेक्टर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, आपको पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, एम्पियर फैराड क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेबर, तो चुंबकीय फलक से क्या मात्रक होता है, वेबर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक होगा, पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, तो दोस्तों यहां आपको पूछ रहा है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोग ऑप्शन भी याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य का मान होता है, यहां दोस्तों आपको कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू,
दोस्तों 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीकर धारा का मान अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर पूछ रहा प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग या माध्य का मान क्या होता है, तो सीकर धारा का मान अपॉन रूट 2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीक करंट अपॉन रूट 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई दिया हुआ LM और ज्यामिति लंबाई दिया हुआ LG के बीच निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। तो दोस्तों फिर से आपको रिलेशन पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए, LG इज इक्वल टू 6/5 LM, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LG इज इक्वल टू 6/5 LM, LG इज इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक 5 नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइ इज एंगल ऑफ डीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका 16 का राइट आंसर होगा ए, BH upon cos phi। दोस्तों सिर्फ आपको ऑप्शन को याद रखना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस तरह का क्वेश्चन आए तो। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकन तीव्रता की इकाई होती है, आपको कह रहा है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज। तो दोस्तों मैग्नेटाइजेशन का आपका चुंबकन तीव्रता का आपका इकाई पूछ रहा है, तो 17 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, एम्पियर पर मीटर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय यामियोतर है, दोस्तों आपको पूछा है चुंबकीय यामियोतर कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक क्षैतिज जल। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक मीडियम इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो दोस्तों यहां आपको कह रहा है सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है। तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1+f/t, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, 1+f/t ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो नॉर्मल जो होता है फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी कितना होता है। तो दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर, हम लोग की आना चाहिए 25 cm आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हीरा का क्रांतिक कोण होता है, आपको कह रहा है हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24.41 डिग्री। तो हीरा का दोस्तों क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संपर्क उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होगा, द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट इज। तो दोस्तों यहां आपको कह रहा है कि दो संपर्क उत्तल लेंस है उसका समतुल्य लेंस, उन दोनों को जब मिलाया जाता है तो कौन सा लेंस बनेगा। तो दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। अब देखिए दोस्तों यहां पर इस वर्ड को ध्यान में देखिएगा, CONTCT या फिर संपर्कित, यहां पर ये संपर्कित है, ठीक है, जब भी संपर्कित आ जाए तो आपका उत्तल लेंस होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत है, आपको कह रहा है प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। तो क्या है दोस्तों उसका सिद्धांत, तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह है प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है, आपको कह रहा है कि सामान्य आंख यानी कि नॉर्मल आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सबसे कम दूरी कितनी होती है सही दिखाई देने के लिए। तो दोस्तों 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर, जो कि पहले भी आया, द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो दोस्तों कौन सी घटना सही है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, प्रकीर्णन, विवर्तन, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट। तो दोस्तों किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, नीला, तो नीला के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो दोस्तों विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 2n+1λ/2, मैं ये क्वेश्चन कराया हूं, ये ऑप्शन आपको इस तरह से भी देगा, यहां पर ध्यान से देखिए 2n+1 ब्रैकेट में दे देगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दे देगा λ/2, इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कंफर्म द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। तो दोस्तों प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा घटना पुष्टि करता है, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवीकरण या फिर व्यक्तिकरण या फिर परावर्तन। तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण ही जो है पुष्टि करता है उसको, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहां कह रहा है कि औरत के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, व्यक्तिकरण, विवर्तन। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी, विवर्तन, विवर्तन कहलाता है औरत के किनारों से प्रकाश का मुड़ना। अब देखिए
क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चांदी का कार्यफलन होता है, आपको पूछ रहा है वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, तो दोस्तों चांदी का कार्यफलन क्या होता है, तो 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी h/c λ, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, ध्यान से देखिए गतिक द्रव्यमान है, ठीक है, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैगनी परिसर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो दोस्तों यहां को कह रहा है अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन है, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी परावैगनी परिसर में है, लाइमन श्रेणी, बार्मन श्रेणी, कौन सा श्रेणी, तो दोस्तों 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, कौन है, लाइमन श्रेणी है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है, आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है, तो दोस्तों 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना जो है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है, अल्फा किरण होता है, बीटा किरण होता है, फिर एक्सा किरण होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर, कौन किरण होता है दोस्तों वो, 35 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण, तो बीटा किरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अल्फा कण होता है, अल्फा पार्टिकल, तो दोस्तों अल्फा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, क्या होता है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हीलियम का नाभिक, यानी कि हीलियम नाभिक होता है अल्फा कण। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रेसी एंटीना की पारस डी टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है, अब ध्यान से देखिए यहां पर परास दिया हुआ आपका, ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है, ये एंटी की प्रेसी एंटीना की परास है यानी कि डी, और टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या है आर, अब आपको पूछा इसके बीच का संबंध, तो दोस्तों 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी इक्वल टू अंडर रूट 2hr, कैपिटल आर है, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2hr आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए, द रिलेशन अमंग रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज, तो दोस्तों ऐसा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2hr। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, आपको पूछ रहा है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, तो मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है मूल अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में, तो दोस्तों 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उसकी ऊर्जा, किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जब अवद्रव्य को नए अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, क्या होता है, तो दोस्तों 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बढ़ती है यानी कि इंक्रीजेज, व्हेन एन इंप्योरिटी इज ड्रॉप इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, यानी कि बढ़ती है उसकी कंडक्टिविटी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनओआर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, दोस्तों यहां पर आपको कह रहा है एनओआर गेट का बुलियन व्यंजक, तो सबसे पहले और का बनाएंगे तो a+b क्या हो गया, ये और का हो गया, ठीक है, अब दोस्तों जब आप यहां पर ऊपर में बार लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा एनओआर गेट का, तो यानी कि नोर गेट का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी y = यहां पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एनओआर गेट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अर्ध तरंगित तृष्टिकरण में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही निगम आवृत्ति है, निर्गम आवृत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो दोस्तों यहां आपको कह रहा है कि अर्ध तरंगित तृष्टिकरण में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही निर्गम आवृत्ति है, तो दोस्तों 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 हर्ज, फिर से मैं दोस्तों कह रहा हूं आपका ऑप्शन सेम टू सेम इसी तरह आने वाला है, इसलिए आप लोग ऑप्शन भी याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द्विआधारी संख्या 1110 होल 2 का दशमिक संख्या निम्नलिखित में से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, तो कौन है दोस्तों, तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30/10 या फिर 30 होल 10 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले तो माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर, तो 1 - 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, दोस्तों यहां पर पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 8.854 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायपोल मोमेंट, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा यहां पर सही है, तो दोस्तों 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1D इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, यहां आपको कह रहा है यहां पर दिया हुआ समतुल्य धारिता आपको पूछ रहा है सिंपली ए और बी, यानी कि ए और बी के बीच का, तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C/3, लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको कह रहा हूं ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना दोस्तों, लेकिन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, तो 47 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 A = 10⁻³ मीटर एम्पियर, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो 1 A = 10⁻³ MA। अब देखिए दोस्तों
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, फिर से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो दोस्तों यहां आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो 48 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा घनत्व, यानी कि धारा घनत्व बराबर होता है आई अपॉन ए, ये एक अभी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या ए इंटू धारा घनत्व बराबर आई, तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेसिस्टेंस, तो प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे। 49 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ये क्या है करेक्ट फॉर रेसिस्टेंस रिलेशन है, यानी कि सही संबंध है दोस्तों आपका प्रतिरोध का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन याद रखना है, ठीक है, अगर याद नहीं रहे क्वेश्चन तो, चित्र में आई का मान होता है द वैल्यू ऑफ आई इन फिगर विल बी, तो दोस्तों चित्र में आई का मान आपको पूछा, फिर से आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना मैं कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 40 एम्पीयर, 40 एम्पीयर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, आपको फिर से न्यूमेरिकल नहीं बनाना, इस बार ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है। विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, तो दोस्तों विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है, धारा, प्रतिरोध, सीएल का ईएमएफ, कौन, तो दोस्तों 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीएल का ईएमएफ, तो विभव मापी से कौन मापा जाता है सीएल का ईएमएफ। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 1 kWh के बराबर होता है, यानी कि 1 kWh कितना के बराबर होता है, कितना जूल के बराबर होता है, तो दोस्तों 52 का आपका राइट आंसर है 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, तो 1 kWh किसके बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 1 टेस्ला होता है, दोस्तों आपको पूछा है 1 टेस्ला होता है, सिंपली आपको यहां पर टेस्ला का फॉर्मूला पूछा है, तो दोस्तों 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेव पर मीटर स्क्वायर, वेव पर मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेव पर मीटर स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं यहां पर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, चुंबकीय फलक जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं होता है, तो सिंपली आपको मैग्नेटिक फलक का फॉर्मूला पूछा है, तो चुंबकीय फलक का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, तो 54 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए φ = B·A, यानी कि बी वेक्टर ए, ठीक है, बी एक वेक्टर ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दोस्तों सिंपली आपको फिर से फॉर्मूला पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग का, ठीक है, तो दोस्तों 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी σ = 1√μ0ε0μ0ε0। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, फोटोन का ऊर्जा होता है, सिंपली आपको पूछ रहा है फोटोन का ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, वहां पर आपका पूछ रहा था दूसरा चीज, और यहां पर दोस्तों पूछ रहा है फोटोन का ऊर्जा क्या होता है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए E = hμ, क्या है E = hμ। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है E = mu। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = तो दोस्तों 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे निम्न से कौन सा सही है, ठीक है, तो 58 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए, आप यहां पर देखिए 1 1 होल 2 7 होल 10, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन याद रख सकते हैं, यही आपका सही ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द्विधारी योग के लिए आपको यहां पर कह रहा है द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन, तो दोस्तों आपको कह रहा है द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1+1 = log 1, यहां पर ध्यान से देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप इस तरह से जोड़ अगर घाटा जानते हैं वैसे तो जानेंगे, ठीक है, तो आप इस तरह से भी आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ऊंचाई ट्रांसफर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तब इन स्टेप ट्रांसफर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली देन, दोस्तों यहां पर आपको कह रहा है सिंपली ये क्वेश्चन मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं, कोई लोहा है इसको सबसे पहले N से डिनोट करते हैं, N से लपेटते हैं, उसके बाद फिर N2 से, क्योंकि ये नियम है सबसे पहले N को उसके बाद N2 को, तो आप बताइए कौन बड़ा होगा N2 या N1, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है N2 बड़ा होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, N2 इज ग्रेटर देन N1। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, यानी कि विजिबल रीजन में कौन सी श्रेणी पड़ती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, तो दृश्य भाग में पड़ती है हाइड्रोजन वर्णक्रम कौन सी, तो दोस्तों 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार्मर श्रेणी, बार्मर श्रेणी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बार्मर सीरीज। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, उत्तल लेंस की फोकल दूरी 1 मीटर है तो उसकी शक्ति होगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर इट्स पावर विल बी, तो दोस्तों यहां आपको क्या है कि उत्तल लेंस का यहां पर फोकल दूरी दिया 1 मीटर तो उसकी शक्ति पूछ रहा है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी P = 1D, क्या हो जाएगा P = 1D। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो दोस्तों 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F node is less than FE, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, आपको कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बाय द थिन प्रिज्म इज, तो दोस्तों पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि सबसे कम विचलन कोण, तो दोस्तों 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी μ-1 × A आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सिंपली फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है, आपको कह रहा है विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा निम्नलिखित में से भौतिक राशि नहीं बदलता, वेग, तीव्रता, कौन, तो दोस्तों 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी आवृत्ति, तो आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता कब, प्रकाश के अपवर्तन में, यानी कि भौतिक राशि ये नहीं बदलता प्रकाश के जब अपवर्तन होती है घटना होती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना जब होती है वो नहीं बदलता। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, यदि हवा में प्रकाश का वेग दिया हुआ भी है और पानी
में प्रकाश का वेग दिया हुआ VW हो तब इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इतना एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इतना, यानी कि VW, ठीक है। तो आपको पूछा रिलेशन, तो दोस्तों 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, V इज ग्रेटर देन VW। तो हम लोग जानते हैं हवा में ज्यादा स्पीड से कोई भी चीज बहेगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, जल के लिए क्रांतिक कोण होता है। तो जल के लिए यानी कि क्रिटिकल एंगल के लिए, यानी कि जल के लिए दोस्तों आपका क्रांतिक कोण कितना होता है, क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो दोस्तों 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 48.75 डिग्री, 48.75 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है। आपको पूछा है फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरनल फेरेंसिस, तो दोस्तों यहां पर क्या कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर कितना होता है, तो दोस्तों 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन ए 5 = 2nπ, 5 = 2nπ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। आपको दोस्तों पूछ रहा है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आई समानुपाती 1/, यहां पर आई करंट है, ठीक है, 1/λ/4, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। आपको पूछ रहा है कांच के समांतर जो सतह की पट्टी होती है उसका फोकस दूरी कितना होता है, तो दोस्तों 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत, उसकी फोकस दूरी कितना होती है अनंत। इंग्लिश में देखिए फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज, तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन बी अनंत। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड ने खुद कहा था कि इस बार 40 से 50% क्वेश्चन जो है अपना मॉडल पेपर से पूछने